बच्चों कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 है इसका वीडियो हमने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट चैप्टर का अभी स्टडी चालू नहीं किए हैं तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। देखिए बच्चों अभी हमको क्या पढ़ना है, इंटीजर को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए जब इंटीजर की बात आएगी तो हमको नंबर के बारे में मालूम है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। नंबर देखिए हमने क्या पढ़ा है, पहला तो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जो 1 से शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट डॉट, मतलब जो 1 से शुरू होके इन्फिनिट लूप में चला जाए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है दूसरा हमने पढ़ा है यहाँ पर कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर WHOLE होल नंबर। देखिए जब जो नंबर जीरो से शुरू होके 1, 2, 3, 4, 5 मतलब नेचुरल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। 1 से पहले हमको जीरो मिलेगा। अगर यह सिचुएशन रहती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है इंटीजर हम किसको बोलते हैं। जब देखिए बच्चों इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर्स हम बोलते हैं उस नंबर को कि जिसमें हमारा नेचुरल नंबर भी होता है, जीरो भी होता है, और नेचुरल नंबर किसके साथ होता है, माइनस के साथ में होता है। मतलब अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 है ना, और जीरो के आगे इधर देखें तो -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब दोनों तरफ जीरो से शुरू होके एक तरफ पॉजिटिव में जाए, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में होगा और जीरो से लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव में होगा। अब जितने भी इंटीजर होते और इस सब नंबर की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पर इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर को छोटा या बड़ा कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो जीरो से शुरू होकर राइट साइड में जो जाता है बच्चों एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4 एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। मतलब हम पहले वाले नंबर में अगर 1 को ऐड करते हैं तो हमको सेकेंड नंबर इंटीजर मिलते जा रहा है। और अपोजिट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या है, 0, 0 के बाद -1, -2, -3, मतलब अगर हम देखें तो 0 हमारा क्या है, 1 देखेंगे तो सेंटर हो जाता है। सेंटर के राइट साइड में हमको नेचुरल नंबर मिलेंगे और सेंटर के इस साइड में क्या मिलेंगे, हमको निगेटिव इंटीजर मिलते हैं, निगेटिव इंटीजर और इधर पॉजिटिव इंटीजर। और निगेटिव इंटीजर में बच्चों जो हमारा जीरो से जितना करीब रहेगा, देखिए सिक्स में भी पढ़ा है आपने, फिफ्थ में भी पढ़ा है, जो जीरो से जितना करीब रहेगा उतना ही बड़ा रहता है। तो जीरो से करीब में क्या है, -1, -2 क्या है, जीरो के बाद 1 आ रहा है, -1 और इसके बाद -2, तो -2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, -1 से, और -1 किससे छोटा है, जीरो से, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर है। इसके आगे हमको पढ़ना है रेशनल नंबर, पढ़ना है इरेशनल नंबर पढ़ना है। उसके पहले आ जाएगा हमारा जो पी क्यू के फॉर्म में रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन के मोड में रहता है, ठीक है। तो अभी वो सब नंबर आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, अभी आपको नेचुरल नंबर पहले आपने पढ़ा है, होल नंबर भी पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर जो कि सिक्स में भी हमने पढ़ा है। सिक्स में हमने क्या पढ़ा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है बच्चों तो हम लेट्स रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चले चलते हैं, पीछे कहाँ पर, सिक्स स्टैंडर्ड में एक बार हम
थोड़ा सा सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे बन जाते हैं, जो कि आप अभी हो नहीं, अभी आपको प्रमोट कर दिया गया है, तो आप सेवेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे बन गए हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार बन के देखिए तो आपको पिछला जो डाउट रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा, या पिछला जो भूला हुआ रहेगा याद हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सपोर्ट मिलेगा। देखिए एडिशन क्या होता है, एडिशन का मतलब होता है जैसे प्लस प्लस, ठीक है, दो हमारे पास इंटीजर हों, जो मान लीजिए जैसे प्लस सिक्स और प्लस में क्या दिया है प्लस प्लस थ्री, दोनों हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। जब दोनों पॉजिटिव रहता है बच्चों, तो क्या होता है, चाहे हम एडिशन कर रहे हों या सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, ठीक है, जब हम इंटीजर की बात आती है तो सिक्स प्लस प्लस थ्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों की साइन देखिए क्या है, प्लस है सिक्स की भी और प्लस किसकी साइन है थ्री की भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या होगा, सिक्स में थ्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, नाइन आएगा, नाइन आएगा, ठीक, और दोनों की साइन हमारी पॉजिटिव है, इसके लिए हमारी साइन भी क्या रहेगी पॉजिटिव होगी। मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि दो इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए फाइव है और प्लस हमको फिर से फोर करना है, या मान लीजिए हमको सिक्स करना है या सेवन करना है, अब देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ पर फाइव भी पॉजिटिव में है और यहाँ पर सेवन भी पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब क्या हो जाता है बच्चों, दोनों हमारी वैल्यू जुड़ जाती है, तो सात में पाँच को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बारह आएगा, और साइन किसकी रहती है, प्लस की रहती है। देखिए प्लस की साइन को हम लगाते नहीं हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस की साइन नहीं लगाए हैं, मतलब उस वैल्यू को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। सेम देखिए दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, दोनों साइन मान लीजिए माइनस है, ठीक है, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तब भी क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, तब भी दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, दोनों साइन कहने का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों साइन सेम रहनी चाहिए, अगर दोनों साइन सेम है तो दोनों वैल्यू जुड़ जाती है, मतलब प्लस प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, तो फाइव प्लस फोर कितना हो जाएगा बच्चों, नाइन, और साइन कौन सी लगेगी, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो साइन कौन सी लगेगी, माइनस की, तो माइनस 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 की साइन आती है, प्लस 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 की साइन आती है, और वैल्यू दोनों बार जुड़ जाती है, वैल्यू दोनों बार जुड़ जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको समझ लिया, अब हम बात करते हैं अपोजिट साइन रहे, यहाँ पर क्या था कि दोनों प्लस प्लस की साइन थी और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस की साइन थी, अब मान लीजिए एक साइन अगर प्लस में है, मान लीजिए यहाँ पर हमको प्लस नाइन दिया है और यहाँ पर माइनस सिक्स दिया है, ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू क्या है, प्लस नाइन है और मान लीजिए ऐड ही करना है, अगर इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है तो नाइन प्लस माइनस सिक्स, अब यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है तो नाइन माइनस सिक्स, अब हमारा नाइन क्या है प्लस में है और यहाँ सिक्स क्या है माइनस में है, तो बड़ा कौन सा है, नौ बड़ा है, तो नौ में से छः क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, नाइन में से सिक्स माइनस हो के कितना आएगा, थ्री आ जाएगा, और साइन किसकी लगेगी, बड़े वाले नंबर की, बड़े वाले नंबर की साइन लगती है, तो यहाँ पर हम प्लस थ्री लिखेंगे, प्लस नहीं भी लगाएंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, प्लस थ्री रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक साइन, चाहे यहाँ पर मान लीजिए माइनस सिक्स है और यहाँ प्लस माइनस नाइन है और यहाँ प्लस सिक्स है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए नाइन तो बड़ा है, नाइन की वैल्यू बड़ा है, साइन को भूल जाइए, पहले हमको क्या करना है, साइन को नहीं देखना है, तो यहाँ पर नाइन और यहाँ पर सिक्स, तो नाइन बड़ा है तो नाइन में से सिक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट है, साइन जब अपोजिट रहती है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, तो छोटा वाला घट के कितना आएगा, थ्री। अब देखिए अब हमको साइन देखना है, साइन किसकी देखना है, बड़े वाले के साथ में साइन क्या है, तो बड़े वाले के साथ में साइन माइनस की है, तो हम माइनस की साइन लगा देंगे, हम
माइनस की साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्लस चाहे पहले रहे चाहे माइनस पहले रहे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बिगर बिगर टू बिगर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर वाले को हम घटा देंगे किससे, बिगर वाले से, ठीक है। यही अगर माइनस पहले है या प्लस बाद में है तब भी हमारा सिचुएशन यही रहेगा, ठीक है। जो बड़ा रहेगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और साइन हमारी किसकी लगेगी, बड़े वाले की लगेगी, ठीक है। जो हमारा बिगर रहेगा तो बिगर वाले की साइन लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको समझ लिया होगा। तो प्लस माइनस देखिए, तो हमको क्या रूल निकल के आया बच्चों, यहाँ पर प्लस 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 हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस, और माइनस 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 दोनों रहेगा तब भी हमारी साइन माइनस की होएगी और वैल्यू ऐड हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर साइन मान लीजिए माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में से, अभी मैंने बताया कि बिगर बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर, और साइन किसकी लगेगी, बिगर की, साइन हमको किसको लगाना है, बिगर की लगाना है, ठीक है। और यही काम प्लस माइनस रहे तब भी हमारा यही होगा, बिगर माइनस स्मॉलर और साइन हमको बिगर की लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से इसको समझ लिया। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। देखिए हम मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देखिए किसी वैल्यू में, किसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट, इक्वल टू हमको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इसको तो आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 × 5 तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 15, हमको आंसर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं इंटीजर के बारे में, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो यहाँ मान लीजिए -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 है, तब हमारा क्या होगा बच्चों, 3 × 3 = 15। और जब मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वैल्यू रहती है, सेम साइन रहती है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या वैल्यू निकल के आई, देखिए यहाँ पर ए भी प्लस में था और ए भी प्लस में, ठीक है। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमको प्लस में मिलता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमको आंसर क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, तब भी हमको आंसर क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है। -8 × 6 6 किस में है बच्चों, प्लस में। अब 6 × 8 जा कितना होगा, 48। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस, अगर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसकी लगती है, माइनस की लगती है। यहाँ पर हमको छोटा बड़ा नहीं देखना है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते थे वैसे नहीं देखना है, यहाँ हमको वैल्यू से वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में क्या है, माइनस की साइन है, किसी भी नंबर में अगर माइनस की साइन है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में होगा, वो भी हमारा आंसर माइनस में होगा। अब देखिए +8 × −6 तब भी हमको आंसर क्या मिलेगा, 48, और यहाँ 6 के साथ में कहीं पर भी माइनस रहे आंसर माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला बच्चों, प्लस 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 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, और माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, यही रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके बुक में भी इसको समझाया है, आप देख सकते हैं, चाहिए तो बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बुक में दिया है बच्चों,
यहाँ पर क्लियर क्लियर आप देखिए कि जब इतना हमने सीख लिया तो हमको रिजल्ट क्या मिला, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, क्या बता रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, अगर दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव में हैं और इंटीजर हैं, ठीक है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम दो नंबर को, दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू रिजल्ट हमको क्या दिखाया गया है, पॉजिटिव, द प्रोडक्ट वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव, एक हमारा पॉजिटिव और दूसरा हमारा निगेटिव में रहेगा तो हमको आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको माइनस में आता है, अगर क्या है आगे, एक पहले निगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है तब भी आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, मतलब हमारा कहने का क्या हो गया, अगर कहीं पर किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई में निगेटिव की साइन दिखी तो पूरा का पूरा आंसर हमारा निगेटिव में आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, अगर दो इंटीजर दिए हैं और दोनों किस में हैं, दोनों निगेटिव में हैं, तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो प्लस 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 आएगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको देखना था। देखिए यहीं पर आपको क्वेश्चन नंबर भी, हम यहाँ पर फटाफट प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट, हमारा कितना है 8, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 8 को कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों, तो हमको दिया क्या है यहाँ पर, बहुत सिंपल सिंपल दिया है, आप जो बेस हमने बताया क्या बताया, प्लस इंटू प्लस, आंसर आपका प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस, आंसर प्लस में आएगा, प्लस प्लस इंटू माइनस, रिजल्ट माइनस में, माइनस इंटू प्लस, रिजल्ट माइनस में, ठीक है। आप इसको एकदम अपना ब्रह्मास्त्र बना लीजिए, आप इसको अपना ब्रह्मास्त्र बना लीजिए, आपका एक भी सिंपल, एक सिंगल क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है हमको माइनस 5 इंटू माइनस 7, दोनों माइनस माइनस है तो 5 7 जा 35, अब भी हमने क्या पढ़ा, माइनस माइनस क्या आएगा, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड में हमको दिया है बच्चों माइनस 9 इंटू 6, 6 क्या है प्लस में, तो 6 9 जा 54। अब देखिए कहीं पर भी अगर साइन, यहाँ पर साइन नहीं दिया है मतलब पॉजिटिव हम उसको मानते हैं और वो पॉजिटिव ही रहता है। जैसे हम गिनती लिखते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं तो हम क्या प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन निगेटिव को हमको डिनोट करना पड़ता है। तो एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, तो प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों, देखिए माइनस इंटू प्लस, हमको आंसर क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखिए और आपका रिजल्ट आते जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, थर्ड हमको दिया है 9 इंटू माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, और कहीं पर भी साइन माइनस की दिखे तो आंसर आपका माइनस हो जाएगा, आपका आंसर माइनस हो जाएगा। 8 इंटू माइनस 7 कितना होगा बेटा, यहाँ पर 8 7 जा 56, और साइन देखिए एक की माइनस एक की प्लस में, तो आंसर माइनस आएगा। चलिए फिफ्थ पर चलते हैं, फिफ्थ हमको दिया है बच्चों माइनस 124, माइनस 124 और इनटू माइनस 1 दिया है, देखिए तो 124 वन जा 124 आएगा, 124 वन जा 124, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट किस में आता है, प्लस में, पॉजिटिव में आएगा, तो हमारा रिजल्ट प्लस 124 हो जाएगा। सिक्स हमको दिया है बच्चों माइनस 12 और यहाँ पर दिया है माइनस 7। अभी देखिए हमने जो काम यहाँ पर किया वही दिख रहा है या कुछ अलग दिख रहा है, तो 12 7 जा होगा 84, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस देखिए रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में है। चलिए सेवेंथ में देखते हैं, सेवेंथ में हमको क्या दिया है माइनस 63 इंटू माइनस 7,
तो पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 को 1, 7 6 जा 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 41 होगा, ठीक है, 42 + 2 = 44 होगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस की साइन नहीं लगाएंगे तब भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, उसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट हमको दिया है -7 × 15। अब 15 क्या है, साइन नहीं दिया है बच्चों, तो किस में हम इसको लेके चलेंगे, ये हमारा पॉजिटिव में है, 15 7 जा कितना होता है 105, और कहीं पर माइनस की साइन है, देखिए 7 के साथ माइनस की साइन है, तो हमारा आंसर -105। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट जो 1 यहाँ 8 दिया था उसको हमने कंप्लीट कर दिया, बेसिक जो रूल है इसका, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने पहले से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पूरा यहाँ पर हमने बताया है, समझाया है, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझिए। देखिए पूरा का पूरा आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट 8 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।